बच्चों को नहीं पसंद आने वाली सब्जी भी आज पसंद आएगी। जय श्री कृष्णा। मानपुना रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सरसों का तेल और इसमें थोड़ा सा नमक का छींटा लगा देंगे जिससे इसकी कड़वाहट हट जाए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कद्दू लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर सौंफ और कलौंजी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। फिर यहाँ पर जीरा और राई लिया है मैंने थोड़ा सा, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हींग ऐड की है, एक तेज़पत्ता और लाल मिर्च ऐड की है। फिर हम इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद हम कद्दू ऐड कर देंगे। 250 ग्राम कद्दू है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया इस तरीके से। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बारी, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे सारे मसाले। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, थोड़ा सा मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है 1/4, और 1/4 यहाँ पर मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। फिर हम इन सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है और बहुत जल्द बनने वाली है। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच शुगर। यहाँ पर चीनी को हमने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1 चम्मच पानी। तो यहाँ पर पानी भी ऐड कर दिया। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम इसमें 1 सीटी ले लेंगे और हमारी सब्जी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर सीटी आ चुकी है, अब हम चेक कर लेते हैं कि सब्जी कैसी बनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि सब्जी अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से, तो बच्चों को भी पसंद आएगी। और ये थोड़ा सा अब ऐड कर दिया हमने हरा धनिया और इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। आप इस तरीके से बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और सभी एकदम चाव से खाएंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।